वेलकम एक और न्यू धमाकेदार वीडियो में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप लोगों को मालूम होगा, आज हम बात करने वाले हैं आरसीबी टीम यानी कि रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु टीम के बारे में, जहां पे हम बताने वाले हैं सोशल मीडिया पे एक खबर बहुत ज़्यादा फैली हुई है, जहां पे ये बताया जा रहा है कि आरसीबी टीम एक देखा जाए फास्ट बॉलर को अपनी टीम में टारगेट करेगी, इंडियन फास्ट बॉलर को। उनका नाम निकल के आ रहा है भुवनेश्वर कुमार। जी हाँ, भुवनेश्वर कुमार की देखा जाए आरसीबी टीम से पहले भी भुवनेश्वर कुमार बहुत सालों पहले खेले थे, और अभी बीच में देखा जाए आईपीएल 2023 के बाद देखा जाए बीच में ये बहुत ज़्यादा खबरें फैली कि ट्रेड किया जा सकता है भुवनेश्वर कुमार को आरसीबी की टीम में। और फिर मैंने वीडियो के थ्रू बताया भी था कि कितनी ज़्यादा डिसएडवांटेज होंगी, कितनी एडवांटेज होंगी अगर भुवनेश्वर कुमार आरसीबी की टीम में ट्रेड होते हैं। फिर उस ट्रेड को मना कर दिया गया। फिर देखा जाए अब फिर से ये खबर फैली जा रही है कि देखिए एसआरएच की टीम तो वैसे भी भुवनेश्वर कुमार को रिलीज़ कर देगी, तो क्या आरसीबी की टीम फिर से उन्हें रीबाय करने के बारे में सोचेगी अपनी टीम में, या फिर भुवनेश्वर कुमार फिर से एक बार आरसीबी की जर्सी में देखने को मिल सकते हैं। अगर हम बात करें भुवनेश्वर कुमार की, तो देखिए आईपीएल में बहुत अच्छे बॉलर हैं, बहुत ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस निकल के आती है, लेकिन अगर लास्ट के आप 2-3 सीजन देखोगे तो इतने ज़्यादा सीजन अच्छे देखने को मिलेंगे नहीं। इंडिया टीम से भी अब वो बाहर हो चुके हैं लगभग, देखा जाए ना ही ओडीआई वर्ल्ड कप के स्क्वाड में थे, ना ही टी20 की, और टेस्ट भी वो अब नहीं खेलते हैं, और कहीं ना कहीं उनकी इंजरी के भी बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं, और देखिए वो इतनी ज़्यादा बैटिंग से भी कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं कर सकते हैं। आप लोग देखोगे कि पहले 2019-2018 के टाइम पर उनकी बैटिंग बहुत ज़्यादा इंप्रूव थी, अच्छी खासी हिटें लगा लेते थे, लेकिन अगर आप देखोगे 2020 के बाद तो उनकी बैटिंग में भी बहुत ज़्यादा डिप देखने को मिला है। कोई भी अच्छी खासी देखा जाए बैटिंग से आपको कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं दे सकते हैं, और बॉलिंग की अगर हम बात करेंगे तो नई बॉल से बहुत बहुत ज़्यादा अच्छे बॉलर हैं, लेकिन भुवनेश्वर कुमार आपकी टीम में है तो आपको एक चीज़ का याद रखना पड़ेगा कि उनके जो 4 ओवर हैं आपको 15 ओवर से पहले ख़त्म करवाने पड़ेंगे, क्योंकि अगर आप गलती से भी भुवनेश्वर कुमार को डेथ ओवर में ले आते हो, और देखिए अब डेथ ओवर में आप लोगों को मालूम है कि सामने वाली टीम के पास रहते हैं प्रॉपर फिनिशर, वेस्ट इंडीज़ के, ऑस्ट्रेलिया के, इंग्लैंड के, जहाँ पे आरसीबी में देखोगे तो आरसीबी के पास तो उस टाइम विल जैक्स थे, ग्लेन मैक्सवेल थे, दिनेश कार्तिक थे, आप कहीं पर आंध्र रसल देखोगे, वहीं पर अगर आप मुंबई इंडियंस चले जाओगे वहाँ टिम डेविड देखने को मिलेंगे, यानी कि प्रॉपर फिनिशर आप लोग को हर टीम में देखने को मिलते हैं, अच्छे खासे पावर हिटर देखने को मिलते हो। अब उनके सामने अगर आप एक ऐसे बॉलर से बॉलिंग करवाओगे जिनके पास देखा जाए डेथ ओवर में इतनी ज़्यादा पेस रहती नहीं है, उनके पास इतनी ज़्यादा वेरिएशन है नहीं, देखा जाए अगर नई बॉल है तो स्विंग वो जरूर करा लेंगे, लेकिन डेथ ओवर में उनकी बहुत ज़्यादा पिटाई होती है। आरसीबी का चिन्नास्वामी का स्टेडियम है, आप लोगों को मालूम ही है कितनी ज़्यादा पिटाई होती है बॉलर्स की, तो मेरे हिसाब से मैं तो ये नहीं चाहूँगा कि पर्सनली आरसीबी टीम उन्हें अपनी टीम में टारगेट करे। हाँ, अगर बैकअप आपको रखना है मोहम्मद सिराज के तो मेरे हिसाब से ज़्यादा सही रहेगा, आप उन्हें एज अ बैकअप प्लेयर अपनी टीम में शामिल करिए, ना कि सीधा आप प्लेइंग 11 में खिलाइए। तो मेरे हिसाब से ये मेरा ओपिनियन था, बाकी आप लोग बताइए आपके हिसाब से क्या देखा जाए भुवनेश्वर कुमार को आरसीबी टीम में आना चाहिए या फिर नहीं आना चाहिए। आप लोग अपना ओपिनियन कमेंट में जरूर बताना। मिलते हैं एक और नई धमाकेदार वीडियो में।